हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, हाइगर टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ पर मैं आपको वीडियो को शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है प्रोफेशनल तरीके से बताने वाला हूँ। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 से 4 पार्ट में आपको वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो सबसे पहले इस टाइप के वीडियो आपको बनाना है तो करना क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। मैंने नॉर्मल कैमरा से शूट किया हूँ, तो आप नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो शूट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जब वीडियो आपका शूट हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट आपको कुछ इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। सेकेंड पार्ट आप जब भी वीडियो शूट करेंगे तो यहाँ पे शॉट आपको चेंज कर लेना है। शॉट चेंज करने के बाद कुछ इस तरह से तौलिया को ऊपर की तरफ फेंकना है और इसके बाद कुछ इस तरह से फ्लैप करना है। फ्लैप करने के बाद वीडियो के बाद थर्ड वीडियो जब आप शूट करेंगे तो थर्ड वीडियो जब आप शूट करेंगे तो कुछ पाउडर आपको हाथ में ले लेना है और कुछ इस तरह से फ्लैप करना है। लेकिन यहाँ पे आपको चश्मे हो और प्लस शॉट आपको चेंज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्लो मोशन, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, आपने जो अलग अलग पार्ट में वीडियो शूट कर रखे हैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ, फिर से हमें मीडिया पे आना है। इसके बाद सेकेंड वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है, फिर से हमें थर्ड वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से मैंने 3 वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ जो कि मैंने अलग अलग पार्ट में वीडियो शूट किया था। वीडियो पर क्लिक करेंगे, वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे और साउंड को म्यूट कर देना है। तो आपको तीनों वीडियो में साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 3 वीडियो में साउंड को म्यूट कर दिया हूँ। तो आपको वीडियो को 1 से 2 बार प्ले कर कर देख लेना है वीडियो आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे शॉर्ट का बटन खोल रहा हूँ, तो यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था वो आपका रिमूव हो जाएगा। वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो तौलिया को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो आपको भी इस तरह से फेंक लेना है। फेंकने के बाद आपको किस पोजीशन तक आपको रुकना है, सुबह जैसे कि आप देख सकते हैं तौलिया को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, इस पोजीशन में आपको चाहिए। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। आपको ध्यान रखना है जब तौलिया आप फेंकेंगे तो आपको इस पोजिशन में ही रहना चाहिए। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ प्ले कराते हैं, तो हमारा फर्स्ट वीडियो सिर्फ इतना ही चाहिए, तो आपको भी इस तरह से शूट कर लेना है। इसके बाद हम इस वीडियो को एक्स्ट्रा जो पार्ट है हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद सेकेंड वीडियो में, जैसे फर्स्ट वीडियो हमारा कुछ इस तरह से हो गया, सेकेंड वीडियो में मैंने कपड़ा को चेंज कर लिया, तो आपको भी शॉट को चेंज कर लेना है। और यहाँ से देख सकते हैं फिर से हम यही वही तौलिया फिर से लिया और फिर से मैं ऊपर की तरफ फेंका हूँ, तो आपको जहाँ तक आपने फेंके थे वहीं तक का आपको सीन चाहिए। इसी पोजिशन में मेरा तौलिया जो मैंने फेंका था, वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे और जब तौलिया गिरता है वो सीन आपको नहीं चाहिए, तौलिया गिरता है वो देखना है, ठीक है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ प्ले कराएंगे, तौलिया यहाँ पे देख सकते हैं गिर रहा है, इस वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। तो हमारा इस तरह से फर्स्ट पार्ट, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तौलिया गिर रहा है और यहीं से हमारा तौलिया से कपड़ा भी चेंज हो गया, तौलिया यहीं पर हमारा यहीं से गिर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी शूट कर लेना है, ठीक है। हमारा फिर से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से एडिटिंग किया हो तो आपको भी कुछ इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकना है, ध्यान रखना है, जैसे कि हम दोनों हाथ को फ्लैप कर रहा हूँ तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। इस पोजीशन में आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। वीडियो को आगे तरफ प्ले कराना है और इस वीडियो को भी हमारा काम हो चुका है, वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। अब हम आगे लास्ट वाले वीडियो पर, तो कुछ पाउडर आपको कुछ इस तरह से ले लेना है और कपड़े भी आपको चेंज कर लेना है, इसके बाद चश्मे पहन लेना है आपको, तो इस तरह से आपको एडिटिंग करना है। इसके बाद कुछ सेम उसी तरह से आपको, जैसे कि फर्स्ट वाले सेकेंड वाले वीडियो में आपने फ्लैप किए थे कुछ इस तरह से, सेम इस वीडियो में भी आपको उसी तरह से करना है, ठीक। देखिए तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने हाथ पे पाउडर ले रखा हूँ। आपको क्या करना, इस पोजीशन में आना है, सेम जैसे कि लास्ट वाले वीडियोज में कुछ इस पोजिशन पर आए थे, इसी पोजिशन में आना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे
और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पोजीशन में यहीं तक आया और यहीं से आपका ये वाला वीडियो स्टार्ट हो रहा है। लग नहीं रहा है कि मैंने कपड़ा चेंज किया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कपड़ा चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं पाउडर का इफेक्ट भी है, गिर रहा है नीचे। इसके बाद क्या करना है, जैसे कि हम देखो यहाँ, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैं चश्मा को पकड़ रहा हूँ, सिंपल वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। अब वीडियो को जैसे कि चश्मा को हम उतार रहा हूँ तो इतना सीन करना है, वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इस वीडियो को आपको स्लो मो दिखाना है तो सिंपल आपको 0.5 कर देना है यहाँ पे, तो ये वीडियो आपको स्लो मो हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट का कुछ सीन चाहिए, जो भी पार्ट चाहिए, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे, तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट गया है, शॉट का बटन चेंज कर रहा हूँ और इसके बाद मैं ऊपर की तरफ फेंका, फेंकते हुए चेंज हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्टिंग किया था, फ्लैप किया और पाउडर गिर गया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते चश्मे जैसे कि उतारा तो यहाँ पे आपको स्लो मो देखने को मिल गया। ठीक है, इस तरह से आपको वीडियो को शूट कर लेना है। यहाँ पर वीडियो भी मेरा प्रॉपर एडिट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, पाउडर इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा देना है, सिंपल जैसे यहाँ पर फ्लैप कर रहे हैं, लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पाउडर इफेक्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें कुछ पार्ट आपको एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ऐसे आपको रिमूव कर दूंगा। अब इसके बाद लेयर पे आना है, इसके बाद मीडिया पे आते हैं, इसके बाद बैकग्राउंड पे हमें क्लिक करना है। इस बैकग्राउंड को थोड़ा आगे की तरफ कर देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर चेक करना पाउडर इफेक्ट कहाँ पर बेहतरीन दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते काफ़ी बेहतरीन लग रहा है पाउडर इफेक्ट। ठीक है, वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इस इफेक्ट को लास्ट तक हमें लेकर आ जाना है। क्योंकि हम यहाँ से हम फ्लैप स्टार्ट किया था तो यहाँ पे मैंने रख लिया, इसको आपको जूम कर लेता हूँ क्योंकि एडिट करने में सिंपल हो थोड़ा। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इसे आपको लास्ट तक लेकर आना है, आपको लास्ट पार्ट, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है क्योंकि हमें इसको पाउडर इफेक्ट को ज़्यादा पार्ट नहीं चाहिए। इसके बाद पाउडर इफेक्ट वाले वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे, इसे आपको इनेबल कर देना है, कलर की पे आपको ग्रीन ही रहने देना है और आपको यहाँ पे पाउडर इफेक्ट को सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लगभग एडजस्ट है, अगर नहीं एडजस्ट होता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके बाद इसे डन करना है, इस पर क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर देना है और इसको आपको इस लास्ट बीच में सेंटर में आपको एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से, तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट वाले वीडियो को हमें डिलीट कर लेना है क्योंकि जो मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था, तो वीडियो हमारा यहाँ पे कितने 19-20 सेकेंड के बन चुका है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को सेलेक्ट करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आइडियो करना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पर क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड आपको मैच नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा वीडियो जो है यहाँ पे हमारा 17 सेकेंड का ही होना चाहिए, लेकिन वीडियो हमारा 18 सेकेंड 20 सेकेंड के आसपास हो गया, 3 सेकेंड तक एक्स्ट्रा है। तो हमारा करना क्या है, कुछ पार्ट को हमें रिमूव कर देना है, तो आपको देख लेना किस पार्ट में आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। सिंपल में स्टार्टिंग के कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा पार्ट को मैं रिमूव कर देते हैं, या फिर थोड़ा स्पीड फास्ट आपको कर देना है, इस तरह से भी आप मैच कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा और फास्ट कर देता हूँ, स्पीड कंट्रोल पे आना है और थोड़ा और फास्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं साउंड मेरा बिल्कुल मैच कर चुका है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट हल्का लग रहा है तो उसे हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं, तो हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक साउंड लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलीन चैनल को सब्सक्राइब कर देना इससे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।